छोटा फोन था एक, उन्होंने ले लिया और दो आधार भी था, उन्होंने ले लिया और उसने गिरा और मुझे मारा सर उसने। सर मेरा नाम पंकज डांसर है। क्या वाक्य क्या हुआ आपके साथ? सर देखो पहले तो मैं पहले ही बताऊंगा, मेरा नाम पंकज डांसर है और मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। आपको पता है कि लोग कोई उल्टा बात करता है, कोई जुड़ धक्का भी कर देता, मारता कोई तो आप, मैं ट्रेन में झाड़ू मारता था पहले, अब मैंने छोड़ दिया। अब मेरे इंस्टाग्राम में 2 लाख फॉलोअर, तो लोग ही कॉल आते मुझे कि दुकान क्रिएट करनी मसूरी, तो मैं एक मसूरी का 500 लेता हूँ। तो मैं गया था तारागढ़ काल, मसूरी किया उसका 500 रुपये ले लिया और 6 बंदे आए और उन्होंने मुझे घेर लिया। तो उन्होंने बोला तू कौन है? मैंने बोला स्टार बना मेरा। तो उसने सर उसने मुझे उसने मैंने उसको गाली भी नहीं दिया ना, मैंने टच किया, 5 साल हो रहा मैंने गाली नहीं दिया। तो सर ये जो लड़के हैं उन्होंने, छोटा फ़ोन था एक, उन्होंने ले लिया और दो आधार भी था, उन्होंने ले लिया और उसने गिरा और मुझे मारा सर उसने। और मैं बस में बैठा और बस में बाद में उसने गच्चे पकड़ के मुझे भाग गई है। नहीं तो जब आपको उन्होंने मारा, और वो कितने आदमी थे सर? उन्होंने अभी कम से कम 6-7। तो क्या इंसाफ क्या होना चाहिए सर? मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं पठानकोट का स्टार हूँ, अगर मेरी गलती होती ना तो आज इधर खड़े नहीं होते आप। तो इसलिए मेरी गलती नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए और जो लड़के ने मारा है इनको मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो क्या आपने थाने के अंदर जो है कंप्लेंट वगैरह की है? देखो सर अगर मैं चाहता तो आप चले जाता थाने, किंतु सर मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं है इस जगह पर, तो अगर किसी का घर डुबाओ, किसी का परिवार डुबाओ तो अच्छे लगता है। बेसिकली आप पठानकोट के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से? मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मुंबई का। अच्छा, तो मैं ट्रेन में मेरी जिंदगी स्टेशन में गुजरी पूरी, और किसी को पूछ लेना पठानकोट कैंट में इधर सोता था, हाँ मैं इधर सोता हूँ सरकारी बिल्डिंग। तो अब क्या इंसाफ क्या होना चाहिए सर? मुझे इंसाफ ये चाहिए, मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि पंकज स्टार को माफी मांग, मतलब ये लोगों को पंकज स्टार के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। जी बिल्कुल जी, इन्होंने कहा कि वो जड़े जिन्होंने मैनू थप्पड़ा मारिया, इन्होंने कहा कि वो जड़े शख्स ने साढ़े को जी है माफी मंगन। पठानकोट के जड़ा इन्हों की तूती आ पूरे इंस्टाग्राम के उत्ते कम से कम जड़ा 1.5 लाख के करीब जड़ा आ फॉलोवर्स हैगा, लेकिन ये कहते ने इन्ह ने कोई कंप्लेंट नहीं की, लेकिन कितने ना कि जी गुहार है जी प्रशासन अगे वो लगा रहे हैं कि मेरे नाल जड़ा इंसाफ होना चाहिए। पठानकोट तो सिटी हेड लाइन के लिए अनमोल शर्मा की रिपोर्ट। छोटा फोन था एक, उन्होंने ले लिया और दो आधार भी था, उन्होंने ले लिया और उसने गिरा और मुझे मारा सर उसने। सर मेरा नाम पंकज डांसर है। क्या वाक्य क्या हुआ आपके साथ? सर देखो पहले तो मैं पहले ही बताऊंगा, मेरा नाम पंकज डांसर है और मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस हूँ। आपको पता है कि लोग कोई उल्टा बात करता है, कोई जुड़ धक्का भी कर देता, मारता कोई तो आप, मैं ट्रेन में झाड़ू मारता था पहले, अब मैंने छोड़ दिया। अब मेरे इंस्टाग्राम में 2 लाख फॉलोअर, तो लोग ही कॉल आते मुझे कि दुकान क्रिएट करनी मसूरी, तो मैं एक मसूरी का 500 लेता हूँ। तो मैं गया था तारागढ़ काल, मसूरी किया उसका 500 रुपये ले लिया और 6 बंदे आए और उन्होंने मुझे घेर लिया। तो उन्होंने बोला तू कौन है? मैंने बोला स्टार बना मेरा। तो उसने सर उसने मुझे उसने मैंने उसको गाली भी नहीं दिया ना, मैंने टच किया, 5 साल हो रहा मैंने गाली नहीं दिया। तो सर ये जो लड़के हैं उन्होंने, छोटा फ़ोन था एक, उन्होंने ले लिया और दो आधार भी था, उन्होंने ले लिया और उसने गिरा और मुझे मारा सर उसने।
ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਮੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਬੱਸ ਮੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਗੱਚੇ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਬ ਆਪਕੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਥੇ ਸਰ? ਉਸਨੇ ਅਭੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6-7। ਤੋ ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਰ? ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਾ ਸਟਾਰ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਤੀ ਨਾ ਤੋ ਆਜ ਇਧਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਆਪ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਜੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਇਨਕੋ ਮੁਝੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਤੋ ਕਿਆ ਆਪਨੇ ਥਾਣੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਤੋ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਤਾ ਥਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ। ਤੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾ ਘਰ ਡੁਬਾ, ਕਿਸੇ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੁਬਾ ਤੋ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇ? ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਲੇ ਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੈਂਟ ਮੇ ਇਧਰ ਸੋਤਾ ਥਾ, ਆ ਮੈਂ ਇਧਰ ਸੋਤਾ ਹੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੋ ਅਬ ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਰ? ਮੁਝੇ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੀਏ, ਮੁਝੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਕਜ ਸਟਾਰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋ ਪੰਕਜ ਸਟਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਲੋਵਰਸ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।